दोस्तों, मैं हूं आपका अपना देवेंद्र सिंह चावला। आज मैं फिर आपके सामने आया हूं एक नया वीडियो लेके। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको कनाडा में डिफरेंट जॉब्स के बारे में बताया था कि आप कैसे कनाडा में डिफरेंट जॉब ले सकते हैं। आप जॉब बैंक पे जाके डिफरेंट जॉब सर्च कर सकते हैं, जिस आप वो वाले एम्प्लॉयर ढूंढ सकते हैं जिन्होंने ऑलरेडी LMIA अप्लाई की हुई है, तो वहाँ पे आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं और अपना वर्क परमिट ले सकते हैं। तो आज मैं जो आपके सामने वीडियो लेके आया हूँ, ये प्रोसेसिंग टाइम के ऊपर मैं वीडियो लेके आया हूँ। ये लास्ट वीक भी मैंने प्रोसेसिंग टाइम के ऊपर वीडियो बनाई थी, तो उसके ऊपर भी आपके बहुत अच्छे व्यूज आए थे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलो हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। इसमें मैं ऑलरेडी canada.ca जो गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की वेबसाइट है उसके चेक प्रोसेसिंग टाइम्स के वेब पेज पे हूँ, तो उसमें मैंने सारा डाटा इसमें फीड कर लिया है। जैसे ये मैंने इसमें टेम्परेरी रेजिडेंस, विजिटिंग, स्टडी, वर्किंग और विजिटर वीज़ा फ्रॉम आउटसाइड कनाडा, जो हमारा होम कंट्री इंडिया, मैंने ऑलरेडी सेलेक्ट किया हुआ है। तो जैसे ही मैं इसको इसमें प्रोसेसिंग टाइम के बारे में अपडेट लेता हूँ, तो उसमें मेरे सामने आ रहा है विजिटर वीज़ा फ्रॉम आउटसाइड कनाडा इंडिया से 154 डेज आ रहा है। तो ये जो पिछले वीक में था 160 डेज था, ये 6 दिन कम होके 154 डेज पे आ गया। तो जैसे मैंने पिछले वीक भी कहा था कि ये जो टाइम है ये घटता जाएगा, धीरे धीरे और घटेगा, उसी अनुमान के मुताबिक ये इस वीक में 6 दिन कम हो गया। तो ये बहुत बड़ी बात है, जहाँ इतना बैकलॉग है उसके बावजूद भी जो ये कनाडा टूरिस्ट वीज़ा का टाइम है, जो प्रोसेसिंग टाइम है, वो 6 दिन कम हो गया, ऑलमोस्ट 1 वीक कम हो गया। तो चलो अब हम चलते हैं वर्क परमिट के ऊपर कि वर्क परमिट पे आजकल कितना टाइम लग रहा है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि जो इंडिया से वर्क परमिट है उसके लिए 8 वीक्स लग रहे हैं। ये लास्ट वीक भी 8 वीक्स ही था, इसमें कोई कमी नहीं आई है, ना ही ये बढ़ा है, ये वैसे ही कांस्टेंट है। तो ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कनाडा की, कनाडा के एम्बेसी की, उन्होंने जो है टाइम कांस्टेंट रखा है। और वो इससे पता लग रहा है कि वो जो कनाडा की एम्बेसी है फुल स्पीड पे वर्क कर रही है और वो एप्लीकेशन है जल्दी से जल्दी प्रोसेस कर रही है। और इसमें भी जो इन्होंने नोटिफिकेशन दी हुई है कि जो प्रायोरिटी है वो एसेंशियल ऑक्यूपेशन को दे रहे हैं, जो नॉन एसेंशियल ऑक्यूपेशन को है उसको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ये जो अपडेट आया है ये 14 दिसंबर 2022 को आया है, यानी कि 14 दिसंबर 2022 को ये अपडेट हुआ है। तो ये हर वीक अपडेट होता है, तो नई नए प्रोसेसिंग टाइम के साथ जो एम्बेसी हमें इन्फॉर्म करती है। तो चलो अब हम चलते हैं वर्क परमिट फ्रॉम इनसाइड कनाडा में कितना टाइम लग रहा है। जैसे हम इस पेज पे देख पा रहे हैं कि जो ऑनलाइन एप्लीकेशन था उसके लिए 167 डेज लग रहे हैं फ्रॉम इनसाइड कनाडा, जो कि पिछले हफ्ते 168 डेज था, इसमें 1 दिन की कमी आई है। और जो पेपर एप्लीकेशन के लिए उसमें 3 दिन की कमी आ गई है, ये पिछले हफ्ते 81 डेज था और इस हफ्ते ये 78 डेज पे आ गया है। तो हम देख सकते हैं कि जो वर्क परमिट में इस वक्त सबसे ज़्यादा जो है कमी आ रही है प्रोसेसिंग टाइम में, जैसे इंडिया से भी हम देख सकते हैं कि सिर्फ 8 वीक्स रह गया प्रोसेसिंग टाइम। तो ये बहुत, ये अभी तक मतलब सबसे कम प्रोसेसिंग टाइम है वर्क परमिट के लिए। तो आप जो लोग अपना स्पाउस ओपन वर्क परमिट लगवाना चाहते हैं, किसी भी तरह की वर्क परमिट की एप्लीकेशन आप प्रोसेस करवाना चाहते हो, ये सबसे अच्छा टाइम है आपको अपनी वर्क परमिट की एप्लीकेशन लगाने के लिए। और इस वक्त जो एम्बेसी है बड़ी फास्ट, बड़ी तेजी से वर्क परमिट की एप्लीकेशन प्रोसेस कर रही है। तो अब हम चलते हैं वापस टूरिस्ट वीज़ा की पेज के ऊपर। तो इसमें हम देख सकते हैं कि जो 154 डेज का जो टाइम है अभी और कम होगा, जैसे जैसे और दिन बढ़ेंगे तो ये और कम होता जाएगा, क्योंकि जो बैकलॉग भी है वो कम हो रहा है। जैसे पहले 2.8 मिलियन एप्लीकेशन का बैकलॉग था, अब कम हो गया, 2.2 मिलियन एप्लीकेशन का बैकलॉग आ गया है। तो इससे पता लग रहा है कि जो एम्बेसी ने मतलब एम्बेसी दिन रात काम कर रही है तो ये सारी एप्लीकेशन को प्रोसेस करने के लिए। तो हम आने वाले वक्त में ये उम्मीद कर सकते हैं कि ये जो प्रोसेसिंग टाइम है और कम होगा और उसका हम लोगों को बहुत फायदा मिलेगा। उससे ये होगा कि हम जो भी एप्लीकेशन लगाएंगे वो जल्दी से जल्दी प्रोसेस हो जाएंगे, हमें जो जो डिसीजन है वो बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। इसमें जो मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि आप जब भी अपनी टूरिस्ट वीज़ा की एप्लीकेशन लगाइए तो जितना प्रोसेसिंग टाइम है उससे थोड़ा ज़्यादा टाइम आप वीज़ा ऑफिसर को दीजिए अपना, अपनी फाइल को प्रोसेस होने के लिए। अब अपना जो आइटनरी है, अपनी जो लीव लेटर है, जो इस प्रोसेसिंग टाइम को देख के 154 डेज के बाद का अपना आइटनरी बनाइए और अपनी लीव लेटर लीजिए, ताकि वे वीज़ा ऑफिसर को कोई भी जल्दबाजी महसूस ना हो जब आपकी वो एप्लीकेशन को प्रोसेस करें, उनको सफिशेंट टाइम मिले आपकी एप्लीकेशन को प्रोसेस करने के लिए। देखिए, अगर आप
जो अपनी आइटनरी है जल्दी कम टाइम पे लगाएंगे, तो उससे क्या होगा कि जब तक आपकी एप्लीकेशन वीजा ऑफिसर के पास जाएगी तो उसके तब तक आपका जो पर्पस ऑफ विजिट एक्सपायर हो चुका होगा, तो आपका जो है वो वीजा ऑफिसर अच्छे से आपका एप्लीकेशन प्रोसेस नहीं कर पाएगा और मजबूरन उनको आपको रिफ्यूजल देनी पड़ेगी। तो ये था मेरा आज का वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा, आपको नई बातों का पता लगा होगा, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप इसको अपने फ्रेंड फैमिली मेम्बर और रिलेटिव के साथ शेयर कीजिए, ताकि हो सकता है उनको इस वीडियो की ज़्यादा ज़रूरत हो और उनको इस वीडियो से ज़्यादा फायदा हो सके। इसके अलावा अगर आप मेरे वीडियो पे आज पहली बार ही आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद जो बेल आइकॉन आता है उसको आप प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन और इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इसके अलावा अगर आप मेरे से अपनी कनाडा टूरिस्ट वीज़ा की फाइल या ऑस्ट्रेलिया टूरिस्ट वीज़ा की फाइल या किसी भी कंट्री की टूरिस्ट वीज़ा की फाइल फ्री ऑफ कॉस्ट बनवाना चाहते हैं, तो आप मेरे को ये जो इस वीडियो पे मोबाइल नंबर आ रहा है इस पे ऊपर फ़ोन करके मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे को ऑफिस मेरे साथ अपॉइंटमेंट फिक्स करके मेरे को ऑफिस में मिल सकते हैं और अपनी फाइल प्रिपेयर करवाने में मेरे से मदद ले सकते हैं। तो इसके अलावा अगर आपके मन में अभी भी कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, वो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, मैं उसका आंसर आपको ज़रूर दूंगा। इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे मैं हर अपने वीडियो पे बताता हूँ कि मैंने आपके लिए ये बुक लिखी है जिसमें मैंने सारे आपको वो डॉक्यूमेंट्स बताए हुए हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं, और उनका स्पेसिमन भी दिया हुआ है, सैंपल सारा कुछ दिया हुआ है, जिसको आप देख के अपने आप अपनी फाइल बना सकते हैं, किसी एजेंट या कंसल्टेंट के पास जाने की जरूरत नहीं है। इस बुक की कीमत है सिर्फ 450 रुपये, 450 रुपीज ओनली, जो आप मुझे पेटीएम या बैंक ट्रांसफर से या गूगल पे से भी भेज सकते हैं, और जैसे ही आपकी पेमेंट मुझे मिलेगी तो मैं आपको ये जो बुक है आपको आपके एड्रेस पे कोरियर या रजिस्टर्ड पार्सल के थ्रू भेज दूंगा। इसी तरह एक बुक मैंने ये भी लिखी है जिसमें मैंने वर्क परमिट के बारे में बताया कि आप कनाडा का वर्क परमिट कैसे ले सकते हैं, कौन कहाँ से जॉब अपनी ढूंढ सकते हैं, कैसे आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं और LMIA के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद आपने अपना जो फाइल है कैसे बनानी है वर्क परमिट के लिए, कौन कौन से फॉर्म भरने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं, और क्या क्या डिटेल्स जो आपको चाहिए पता होना चाहिए, वो इस बुक में सारी दी हुई है। इसकी कीमत भी सिर्फ 450 रुपये है, 450 रुपीज ओनली। ये भी आप मुझे गूगल पे या पेटीएम या बैंक ट्रांसफर के द्वारा भेज सकते हैं, और मैंने जो पेटीएम और गूगल पे नंबर है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप वहां पे पेमेंट करके मुझे जैसे ही इन्फॉर्म करेंगे मैं आपको आपके एड्रेस पे ये बुक कोरियर या रजिस्टर्ड पार्सल के द्वारा भेज दूंगा। इसके अलावा जो मैं हर वीडियो में ऑफर देता हूँ आप लोगों के लिए, आपके बेनिफिट के लिए, कि अगर आप कनाडा की टूरिस्ट वीजा की फाइल फ्री ऑफ कॉस्ट बनवाना चाहते हैं तो आप मेरे को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं मेरे मोबाइल नंबर पे जो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो उसके ऊपर आप मेरे से कॉन्टेक्ट करके अपॉइंटमेंट फिक्स करके मेरे ऑफिस आ सकते हैं और अपनी फाइल जो कनाडा टूरिस्ट वीजा के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बनवा सकते हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो। ओके बाय।